नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं एस्ट्रोलॉजर माधव शर्मा खुश जीवन राशिफल के यूट्यूब चैनल की तरफ से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे मार्च माह में जो भी जातक उत्पन्न होते हैं उनका क्या क्या विशेषताएं होती हैं, उन्हें जीवन में सक्सेस किस वर्ष में मिलेगी। अगर आपको अपनी जन्मतिथि का करेक्ट नहीं पता और आपको यह मालूम है कि आप इस माह में उत्पन्न हुए हैं, तो मार्च माह में अगर आप उत्पन्न हुए हैं तो यह वीडियो आपके लिए। इस वीडियो के अंदर मैं शेयर कर रहा हूँ मार्च माह में उत्पन्न हुए जातकों के करियर को लेकर, उनके जीवन के रहस्य को लेकर, लाइफ सीक्रेट को लेकर, सक्सेस कब मिलेगी उस वर्ष को लेकर, हेल्थ और करियर को लेकर। अगर आपने इससे पहले हमारा वीडियो जो है लाइक नहीं किया है तो आप हमारे इस वीडियो को लाइक करें, और जिन्होंने भी हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी एप्लीकेशन को खुश जीवन राशिफल की ऐप को डाउनलोड करें, देखते रहें डेली पंचांग, मंथली राशिफल, ईयरली राशिफल। आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ विशेषताओं की, यानी जिन भी जातकों का जन्म मार्च माह में हो रहा है उनकी क्या क्या विशेषता है। अगर आपका जन्म मार्च माह में हुआ है तो आप एक बुद्धिमान व्यक्ति हैं, आप एक खुश मिजाज व्यक्ति हैं। ऐसे जातक हमेशा मिलनसार होते हैं। ऐसे जो व्यक्ति हैं वे महत्वाकांक्षी भी पाए गए हैं। इनके जीवन का जो रहस्य है वो सबसे ज्यादा सोचने की बजाय ये लोग कार्य करने के अंदर विश्वास करते हैं, यानी सपने सभी देखते हैं, इन उन सपनों के ऊपर सभी कार्य करते हैं, लेकिन ये लोग सोचते नहीं है, ये अपने कार्य को लेकर, अपने कर्म को लेकर हमेशा आगे रहते हैं। ऐसे व्यक्ति शांत स्वभाव के और गंभीर प्रवृत्ति के पाए गए हैं। ये लोग अपने कार्य को बहुत सीरियस तरीके से करते हैं। ऐसे व्यक्ति हमेशा ज्यादातर देखा गया है कि ये लोग अकेले रहना पसंद करते हैं। इन्हें अपने जीवन के अंदर यश और कीर्ति कमाने की बहुत इच्छा रहती है, जो कि ये धीरे धीरे सक्सेस भी रहते हैं। ऐसे व्यक्ति क्रिएटिव पाए गए हैं, कहीं ना कहीं कुछ नया कार्य करने की लगन इनके अंदर हमेशा रहती है। ऐसे व्यक्ति की अगर हम हेल्थ की बात करें, स्वास्थ्य की बात करें, तो ये ऐसे व्यक्ति शारीरिक रूप से एक अच्छे होते हैं, परंतु मानसिक रूप से डिप्रेशन में ऐसे लोग कभी कभी पहुंच जाते हैं। ऐसे व्यक्तियों को ब्रेन से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है। इनको अपने हार्ट का भी विशेष रूप से ख्याल रखना चाहिए। अगर कोई भी स्वास्थ्य संबंधी परेशानी आ रही है तो इन्हें अपने इष्ट देव, अपने आराध्य देव की पूजा अवश्य करनी चाहिए। अगर आपको आपके इष्ट या आराध्य देव नहीं पता है, क्योंकि आपके पास में आपकी करेक्ट डेट ऑफ बर्थ, आपका बर्थ टाइम नहीं है, हम वीडियो के लास्ट में बताएंगे कि आपको आपके किन देवी देवता की पूजा करनी चाहिए। आइए अब हम बात करें इनके करियर को लेकर, इनके जॉब को लेकर, इनके बिजनेस को लेकर, यानी मार्च माह में जो भी जातक उत्पन्न हुए वे किन किन फील्ड में अपना सक्सेस पा सकते हैं। तो ऐसे व्यक्तियों को जिनका कि जन्म मार्च माह में हुआ है, अपने पद को संभालने की जिम्मेदारी रहती है, और इस जिम्मेदारी को वे बहुत अच्छे तरीके से निभाते हैं। ऐसे लोग राइटर भी बन सकते हैं, न्यूज़ में कम्युनिकेशन सिस्टम के अंदर, यानी मोबाइल को लेकर की भी ये बिजनेस कर सकते हैं, उसके अंदर जॉब कर सकते हैं, वहाँ उन्हें सक्सेस अधिक मिलेगी। जिनका भी जन्म मार्च माह में हुआ है, ऐसे जातक इंजीनियरिंग फील्ड के अंदर, स्पेशली मैं बात करूँ तो कंप्यूटर साइंस फील्ड के अंदर, मेडिकल फील्ड को लेकर, केमिस्ट्री के अंदर भी ऐसे जातक ज़्यादातर पाए गए हैं। ऐसे जातक जो लोग अपनी राइटिंग को लेकर बहुत सक्सेस होते हैं, रिसर्च में भी ऐसे जातकों का रुझान देखा गया है। साथ के साथ एक्टिंग, पेंटिंग, डांसिंग और सिंगिंग के क्षेत्र में भी ये लोग सफलता प्राप्त करते हैं। मार्च माह में जो भी जातक उत्पन्न होते हैं वे अगर इन इन करियर को अपना चूज करते हैं तो कहीं ना कहीं इनको सक्सेस ज़्यादा मिलने की कोशिश रहती है। IT सेक्टर के अंदर भी मार्च माह के व्यक्ति आपको अत्यधिक देखने को मिलेंगे। लाइफ सीक्रेट की अगर हम बात करें कि जिनका भी जन्म मार्च माह में हो रहा है उनके जीवन का लाइफ सीक्रेट क्या है, तो मार्च माह में जन्मे व्यक्ति हमेशा त्याग करने की कोशिश करते हैं, यानी ऐसे व्यक्ति ज़्यादातर देने की कोशिश करते हैं, चाहे वह अपनी बुद्धि के बल पर हो, चाहे पैसे के बल। अपने जीवन में ये लोग सभी की मदद करने की कोशिश भी करते हैं। ये लोग इंसान का दिल जीतने में, यानी सामने वाले का दिल जीतने में बहुत माहिर होते हैं। ये लोग अपने से बड़ों की सेवा अवश्य करते हैं। इन लोगों का जो दिमाग है वो सोते हुए भी एक्टिव रहता है। ये लोग कभी किसी को धोखा नहीं देते।
आइए अब हम बात करते हैं शुभ अंक को लेकर, यानी जिनका भी जन्म मार्च माह में हुआ है उनके लिए शुभ अंक कौन से हो सकते हैं। इनके शुभ अंक हैं अंक 3, अंक 7 और अंक 9। ऐसे जातकों को अगर कोई भी महत्वपूर्ण कार्य करना है तो वे इन अंकों की सहायता से, या अगर इनकी कॉम्पेक्टिबिलिटी भी इनको अगर देखनी है कि किन लोगों के साथ में इनकी फ्रेंडशिप रह सकती है, तो जिन जो भी अंक 3, 7 और 9 से जुड़े हुए हैं उनके साथ में इनकी कॉम्पेक्टिबिलिटी अच्छी हो सकती है। उनके साथ में यानी मैं कहूँ कि 3, 7 और 9 अंक इनके लिए शुभ अंक है। बात करें हम शुभ दिन की कि कौन कौन से दिन इनके लिए शुभ रहेंगे, तो रविवार, सोमवार और शनिवार इनके लिए शुभ दिन रहने वाले हैं। अगर हम बात करें कि कौन सा कलर वे यूज़ करें, कौन सी कलर थेरेपी अगर वो यूज़ करें, तो जिससे कि मार्च माह में जो भी जातकों का जन्म हुआ है उन्हें जीवन के अंदर सक्सेस मिले, किस कलर को वे अपने पास में रखें या किस रोशनी को, यानी मैं कहूँ कि अगर वे कलर थेरेपी ले रहे हैं तो वो सन थेरेपी के को यूज़ करके भी अपने कलर्स को, यानी नेचुरल कलर्स को आप यूज़ कर सकते हैं। तो इनके बेस्ट कलर हैं, शुभ कलर हैं ग्रीन कलर, येलो कलर और पिंक कलर। अगर जातक जिनका भी जन्म मार्च माह में हुआ है अपने शुभ अंकों को लेकर, शुभ दिन को लेकर और शुभ कलरों को लेकर वर्क करते हैं तो लाइफ के अंदर सक्सेस अवश्य मिलेगी। आइए अब हम बात करें कि इनको हमें क्या एडवाइस देता हूँ। तो ऐसे जातक जिनका भी जन्म मार्च माह में हुआ है उन्हें कभी भी नशा नहीं करना चाहिए। यह आदत इनके लिए बहुत ही खराब है। अगर वे नशा कर रहे हैं तो इनके जीवन के अंदर सक्सेस इनको नहीं मिलेगी और ये जीवन के अंदर पतन होते चला जाएगा। बात करें कि 3, 7 और 9 डेट्स में अगर कोई भी शुभ कार्य कर रहे हैं तो ये नए सक्सेस अवश्य मिलेगी। अच्छे कलरों को यानी ग्रीन कलर, येलो कलर और पिंक कलर को नहीं यूज़ करना चाहिए। ऐसे जातकों को 5 मुखी रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। ये लोग कोई भी बड़ा डिसीजन अगर ले रहे हैं तो उसमें उससे पहले भगवान की पूजा करें। आइए अब हम बात करें कि कौन से देवता की पूजा इनको सक्सेसफुल रहने वाली है। अगर जीवन के अंदर कोई भी परेशानी आ रही है, कोई भी समस्या का हल नहीं मिल रहा, तो इन्हें क्या करना चाहिए। इनके अगर हम समस्या की बात करें तो इनको भगवान लक्ष्मी नारायण की पूजा बहुत शुभ रहेगी। यानी ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जप और लक्ष्मी नारायण की पूजा इनको अवश्य करना चाहिए अगर इनके जीवन के अंदर परेशानी आ रही है तो। अगर हम बात करें कि कौन सा वर्ष इनके लिए भाग्योदय का वर्ष होने वाला है, यानी किन वर्ष के अंदर इनको जॉब से रिलेटेड, बिजनेस से रिलेटेड या जमीन जायदाद, या मैं कहूँ कि व्हीकल से रिलेटेड इनको एक भाग्योदय रहेगा, एक अच्छा समय शुरू होगा, तो इनको इनका जो भाग्योदय का वर्ष है वो है 32वां वर्ष। यानी 32 ईयर्स वाले अगर इनके अंदर ये चल रहे हैं तो इनके लिए यह वर्ष अत्यंत शुभ रहने वाला है और इनके जीवन के अंदर शुभ कार्य अवश्य होंगे। धन्यवाद।